हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ऑनली आई एस आपको पता है हम इस वीडियो में हमारे पिछले एक हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज हैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करेंगे जिनमें हमारे पास में नहीं नहीं करते मिनिमम थर्टी क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम ये थर्टी फाइव तक भी वेरी कर जाते हैं तो इस वीडियो में आप देखेंगे ना तो आपको थर्टी टू थर्टी थ्री क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको क्या करना है पेन कॉपी हाथ में लेनी है ये देखो कुछ गाइडलाइंस है मेरी तरफ से पेन कॉपी हाथ में होने चाहिए आपको वहां पर क्वेश्चन लिख लेना है कि हाँ भाई क्वेश्चन वन टू थ्री इस तरीके से रिपीटेशन भी हो गए मार्किंग किया ना तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखो और उसमें अपना आंसर लिखो और एक्चुअल में जो आंसर आया वो लिखो तो उन दोनों में आप देखो मैच हो रहा है राइट right है गलत है जो भी है एरर हो रहा है वो एरर किस वजह से हो रहा है वो आपको लास्ट में अपने आप अप से एनालिसिस कर लेना है इस वीडियो का मेन पर्पज यही है कि जो एरर्स हमारी यहां पर एक्सरसाइज में हो जाए वो फिर एग्जाम टाइम पे रिपीट ना हो मेन यही टारगेट है तो ऐसे में आपसे मैं आशा करूंगा कि आप इन 30-35 क्वेश्चंस में से नहीं नहीं करते 25 प्लस क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट करेंगे है ना मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि प्रिलिम बूस्टर बेस्ड ही हमारे ये क्वेश्चन है ना तो करंट पे हमारी कमांड अच्छी बनानी है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहता है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जैसे कि मैं कमेंट्स देखता हूं हमेशा एकदम पॉजिटिव एक एनर्जी वहां से मिलती है मुझे खैर मुद्दा यह है कि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती ही है तो ऐसे में आप पिंड कमेंट को चेक कर लो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को भैया सेव ही कर लो सेव करने का बेनिफिट यह रहेगा कि कभी भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट या पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी होगी ना तो वहां से इजीली डाउनलोड हो जाएगा राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी नहीं करेंगे इस वीडियो में स्टार्ट करने में देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट फोर्टी पॉइंट टू सेवन परसेंट ऑफ द टोटल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेकेंड स्टेटमेंट द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इज पब्लिश क्वार्टरली विद द बेस ईयर ऑफ टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व थर्ड स्टेटमेंट इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज इज पब्लिस्ड बाई सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सी एसओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है पॉज करो अपनी तरफ से आंसर रेडी कर लो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है ये बिल्कुल ठीक है बट सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है क्वार्टरली अरे भाई आपने देखा होगा आई आईपी और ये तो हर महीने आपको देखने को मिल जाते हैं तो जो इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है ना ये मंथली बेसिस पर रिलीज होता है बेस ईयर एकदम ठीक है बट ये पार्शियली गलत हो गया तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो दूसरा गलत हो गया फिर आ जाओ तीसरे पे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर सीएसओ नहीं भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है तो ऐसे में केवल आपका स्टेटमेंट ए का ना वो सही है ए इज राइट आंसर अब देख लेते हैं इसके बारे में होता क्या है कि अभी एट कोर इंडस्ट्रीज के बारे में जब इंडेक्स रिलीज हुआ तो उसमें पता पड़ा कि जून महीने के कंपैरिजन में जुलाई महीने में परफॉर्मेंस अच्छी आई अब आप देख लो जून जुलाई दोनों की बात हो रही है है ना तो इसका मतलब मंथली बेसिस पर वो रिलीज होता है रिलीज कौन करता है है कॉमर्स कॉमर्स इंडस्ट्री इंडस्ट्री ना एंड मिनिस्ट्री अभी देख लेते हैं आईसीआई के बारे में बात करते हैं आ, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री जो मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टेटमेंट्स में कि इसका वेटेज जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपका आईसीआई दैट मींस इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का 40.27 परसेंट रहता है कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है जिनका वेटेज आप इस तरीके से देख सकते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टील कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सीमेंट एंड फर्टिलाइजर टोटल आठ आपकी कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका आप सीक्वेंस भी याद रख लेना आईसीआई मंथली बेसिस पर रिलीज होती है बेस ईयर 2011-12 है रिलीज यह करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है अगला सवाल स्क्रीन पर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन टिपिकली डू नॉट क्रॉस द इक्वेटर सेकेंड साइक्लोन रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज इन सदर्न एमोस्फेयर थर्ड द आई इज द कामेस्ट पार्ट ऑफ ए साइक्लोन पॉज करो अपना आंसर रेडी करो करेक्ट पूछा है भाई इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपको पता है कि जो साइक्लोस डेवलप होते हैं वो इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ और थोड़ा सा साउथ की तरफ होते हैं एग्जैक्ट इक्वेटर पे नहीं होते है. क्यों क्योंकि हमें चाहिए होता है यहां पर साइक्लोन्स को डेवलप होने के लिए चाहिए होता है कोरियोलिस्ट फोर्स कोरियोलिस्ट फोर्स है ना वो उसका सीधा रिलेशन होता है साइन थीटा से थीटा मतलब इक्वेटर या फिर जो भी आपकी लैटिट्यूड हैं उनके एंगल की वैल्यू तो इक्वेटर पे क्या होती है वैल्यू जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है जीरो तो कोरियोलिस फोर्स भी क्या है जीरो आपको पोल्स पे लैटिट्यूड क्या डिग्री मिलेगा 90 तो साइन 90 की वैल्यू होती है वन हाइएस्ट आपको कोरियोलिस्ट फोर्स मिलेगा पोल पे और जीरो मिलेगा कहां पे इक्वेटर पे तो इक्वेटर पे कोरियोलिस्ट फोर्स की प्रेजेंस ना होने के चलते ये कभी भी इक्वेटर पे प्रेजेंट भी नहीं होते और क्रॉस भी नहीं कर पाते तो ये पहला स्टेटमेंट सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइक्लोन्स जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं नहीं भाई ए एन सी एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका मतलब ये हो गया कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तब साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ठीक है और जबकि ये सदर्न एमोस्फेयर में तो क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइक्लोन का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको आई बोलते हैं वो सबसे शांत होता है।, ये बात बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है तो वन एंड थ्री इसका मतलब डी आंसर आपका चला जाता है अब देखो ये मुद्दा क्या है अभी आपको पता ना गुजरात में साइक्लोन आसना आया हुआ है जिसके चलते वड़ोदरा में इधर कितनी बाढ़ तो ऑलरेडी हो चुकी है और अभी भी बरसात वहां पर रुक नहीं रही है इस वजह से साइक्लोन जो है वो न्यूज में रहे

स्कार आर ऑफन सीन इन द न्यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पॉज करो अपना आंसर रेडी कर लो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है डिस्कवरी ऑफ सिग्निफिकेंट ऑयल गैस रिज़र्व्स की वजह से टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया इंडिया एंड सॉरी चाइना एंड फिलिपींस थर्ड स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मरीन कंजर्वेशन एरिया फोर्थ साइट ऑफ रिसेंट अंडर वॉटर वॉल्केनिक एक्टिविटी पॉज करो अपना आंसर रेडी कर लो इसका आंसर देखो सीधा है बी हुआ क्या है कि चाइना ने इन तीनों एरियाज में या आप देखो फिलीपींस है यहां पर ठीक है ये साउथ चाइना सी वाला एरिया आ गया और यहां पर ये यह है फिलीपींस और फिलीपींस के बिल्कुल नजदीकी पे ये आइलैंड है एक तो ये आइलैंड देखो ठीक है एक ये आइलैंड है जिसका नाम है सेकेंड थॉमस सोल और एक है यहां पर सबीना सोल आप नोटिस करेंगे कि इतना क्लोज फिलीपींस के होने के बावजूद इनके ऊपर चाइना ने अपनी कोस्टल गार्ड वेसल्स डिप्लॉय कर दिए मतलब अपने एक तरीके से फाइटर आप कह सकते हो कि शिप्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए ये जो डैश दिख रहे हैं ना इसको चाइना नाइन डैश लाइन बोलता है और इसको बोलता है कि इस लाइन के अंदर जो भी है वो सारा का सारा चाइना का है अब आप खुद नोटिस करो कि जो यूएन क्लॉस है उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखें उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये रीजन तो यहाँ पर वियतनाम हो गया राइट right? इधर मलेशिया आ गया इधर आप ब्रुनेई की बात कर लो फिलीपींस इनका भी तो कितना हक हाँ बनता है ना चाइना अकेला कैसे अकेला बोलता है कि भाई ये तो हमारी एंशियंट लीक है ऐसे में ये डिप्लॉयमेंट कर दिया और ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है जो कि न्यूज में रही ठीक है इसमें कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए चाइना ना परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन ने स्कॉरबोरो जो ये आपका आइलैंड है कोरल रीफ से बना हुआ इसको चाइना से हटा करके फिलीपींस को लोकेट कर दिया था परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन ने 2012 में पर चाइना ने नहीं माना चाइना पूरी दादागिरी करता है इसी तरीके सेकंड थॉमस सोल की बात भी करें तो ये भी फिलीपींस वाले रीजन में आ जाता है बट अगेन वही चाइना ने क्लेम कर रखा है सबीना सोल को तो चाइना अपना खुद का नाम दे चुका है शियान बिन बोलता है है ना इसी तरीके से ये चाइना की दादागिरी यहां पर देखी जा रही है जिस वजह से ये तीनों आइलैंड न्यूज में थे अगला क्वेश्चन With reference to the criteria of Navratna status, consider the following statements. First statement: kya the central public sector enterprise should be our mini-ratna first category, scheduled A category. Theke, first. Second, CPSC should have obtained excellent or very good MOU rating in the three of the last five years. Third, CPSC should be. ंग कंपोजिट स्कोर ऑफ 90 और अब इन प्रीब सिक्स सेलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको यहां पर नवरत्न स्टेटस के लिए इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी परफेक्टली सुटेबल लग रही है जो कि गवर्नमेंट की क्राइटेरिया के हिसाब से फुलफिल होती है अगर किसी भी कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस देना है तो पॉज करो अपना आंसर रेडी करो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों सही है पर थर्ड वाला जो ये नाइनटी बोला है ना ये केवल सिक्सटी है ना कि नाइनटी तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग आंसर इज ए

पिछले तीन सालों पिछले पांच सालों के अंदर पिछले पांच सालों के अंदर कम से कम तीन साल के अंदर एक्सीलेंट या वेरी गुड कैटेगरी में डाला हुआ है कि यार इनके साथ में एग्रीमेंट करना अच्छा है ये बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं ठीक है तो वो फिर आप देखोगे कि नवरत्ना कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे तो एक तो क्राइटेरिया हो गया ये कि मिनीरत्न और शेड्यूल ए के अंदर होना चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि पिछले पांच सालों में से तीन सालों का तो आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट और वेरी गुड आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एमयू तो दूसरा कैटेगरी और तीसरा कि कंपोजिट स्कोर जो है वो इन डिफरेंट क्राइटीरिया में आपका 60 या उससे ज्यादा आना चाहिए वो क्राइटेरिया क्या है नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सर्विसल एम्प्लॉय पीबीआईटी टू टर्न ओवर अर्निंग पर शेयर इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस ये छह क्राइटेरियाज है इनको में अंदर जिसका स्कोर साठ या उससे ज्यादा है वो और प्लस में ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है वो कंपनियां जो है नवरत्न के लिए एलिजिबल हो जाती हैं अब देखो की कैटेगरी में आने के लिए क्या करने की जरूरत है जो सरकारी जो सरकारी सरकारी कंपनियां कंपनियां पिछले तीन सालों के अंदर प्रॉफिट शो कर रही है और वो भी कैसा कि टैक्स जब तक ना लगे तब तक तीस करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट उन्होंने शो किया है और पिछले तीन सालों में से कम से कम एक साल उन्होंने पॉजिटिव नेटवर्थ भी शो की है तो उनको मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उसमें से ये जो 30 करोड़ वाला क्राइटेरिया हटा दोगे तो मिनी रत्न सेकंड कैटेगरी में उनको डाल दिया जाएगा तो इस तरीके से ये सरकार के अपने खुद के नॉमिन क्लेचर है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो ये नेम दिए जाते हैं अगला सवाल विद रेफरेंस टू द फ्लोरिन कंटेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट द कंटेमिनेशन इन ह्यूमिड एंड वेट एरिया वॉज रिलेटिवली हाई इन कंपेरिजन टू एरिड and dry areas second heavy contamination poses the risk of skeleton, skeletal fluorosis and dental decay third fluoride is among the many minerals found naturally in ground water statement aapko correct choose karna hai pause karo apna answer ready karo theek hai ab dekho first statement kya keh raha hai ki ये बोल रहा है कि नमी वाले area में fluoride ज्यादा मिलेगा नहीं भाई जहां पे सूखा पड़ता है ना dry climate रहती है वहां पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाता है वहां से फिर पानी निकालते हैं तो फ्लोराइड कंटामिनेशन ज्यादा मिलता है तो ये वेट वाले में नहीं सूखे वाले एरिया में ज्यादा मिलता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो ये दोनों गए फिर आपको अगर मतलब पानी में अगर फ्लोराइड या फ्लोरिन की कंटेमिनेशन ज्यादा हो जाए तो वो हड्डियों के लिए दांतों के लिए खराब रहती है ये बात बिल्कुल सही है इसमें कोई खराबी वाली चीज ही नहीं है अब दूसरा सही है तो तीसरे पे आपको जाने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली तीसरा आपका सही हो गया कि नेचुरली मिलने वाले जो ग्राउंड वाटर है उसमें नेचुरली मिलने वाले मिनरल्स में से एक फ्लोरीन भी होता है तो आंसर इज बी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें अब क्या है मुद्दा अभी क्या है, है हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने अभी फ्लोराइड को लेकर के फ्लोराइड कंटेमिनेशन इन वाटर को लेकर के अपने रिपोर्ट पब्लिश की है तो आप उसमें नोटिस करो यहाँ पे कि किस तरीके से जहां पर सूखा पर एरिया है वहां पर आपको कंटेमिनेशन ऑफ फ्लोराइड ज्यादा देखने को मिल रही है राजस्थान में ये जो एरिया है यहां पर इस एरिया को तो कोबड़पट्टी बोलते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की हड्डियां इतनी ज्यादा डिफॉर्म हो चुकी हैं एक तो दांत उनके पीले रहते हैं और दूसरा रही सही के अंदर उनकी बैकबोन जो है है वो टिल्टेड झुक चुकी है ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो नेचुरली फाउंड ये मिनरल होता है हमारे ग्राउंड वाटर में और इसकी एक कहते हैं ना अप्रूवल मात्रा कितनी है कितनी ठीक मात्रा हम कंसिडर करके चलते हैं तो वो है डेढ़ मिलीग्राम पर लीटर तक इसके अलावा लिमिट अभी कितनी मिली है? आप यहां पर देखो राजस्थान में तो बहुत बुरा हाल है 1.41 पॉइंट पर लीटर मिला है मानसून से पहले और 1.44 पॉइंट मिला है पर लीटर पोस्ट मानसून तो ये हालात क्या शो कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम अप्रूवल है उसके लगभग तो हमारे यहां पर कंटेमिनेशन बन रहा है और वो ज्यादा एरिया कौन सा है जहां पे सूखा पड़ता है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का वेस्टर्न मोस्ट जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है वहां पर प्रॉब्लम है इसके अलावा कर्नाटका तमिलनाडु और झारखंड में भी ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा ड्राई एरिया की बात हम कर ही चुके हैं स्केलेटन और डेंटल पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं अब देखो आप लोग आगे बढ़ो उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है Pw इसकी तरफ से आईडीएम सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 आपको पता है है रन कराया जा रहा है। तो इसमें आप डेली बेसिस पर एमसीक्यू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें साढ़े चार सौ से ज्यादा तो आपके एमसीक्यूज होंगे साढ़े चार सौ से ज्यादा तो आपके जीएस और सात सौ से ज्यादा सी सैट के और साढ़े चार सौ से ज्यादा आपके साढ़े चार हजार है ठीक है ये आपके जीएस वाले तो और साढ़े चार सौ से ज्यादा आपके हो जाएंगे

कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं जो आपके लिए बिल्कुल रिलायबल है चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं कंसिडर रिगार्डिंग यूनिफाइड पेंशन स्कीम द यूपीएस प्रॉमिस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 50% परसेंट ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट ट्वेल्व मंथस सेकेंड स्टेटमेंट द पेंशन इंक्लूड्स अ पीरियोडिक डियरनेस रिलीफ हाइक इन लाइन विद इन्फ्लेशन ट्रेंड्स थर्ड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डेथ फैमिली रेडी कर लो देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है एकदम सही है इसमें कोई खराबी नहीं है कि पेंशन कितनी दी जाएगी यूपीएस के तहत वो ये है कि आपके पिछले रिटायरमेंट के टाइम पे पिछले बारह महीनों की जितनी सैलरी होगी उसका एवरेज निकाल करके फिफ्टी परसेंट राइट दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि समय के साथ में महंगाई को सेटल करने के लिए इन्फ्लेशन ट्रेंड को ध्यान रखते हुए नियर डिपेंडेंट्स हैं उनकी बात करें तो उनको ट्वेंटी परसेंट मिलेगी नहीं सिक्सटी परसेंट है ट्वेंटी नहीं है तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट एंड सेकंड तो ए इसका आंसर सीधा चला जाता है आई होप आपका ज्यादातर का सही होगा ये देखो मुद्दा तो आपको पता ही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है और ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट होने वाली है एक अप्रैल 2025 से इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की बात हमने कर ही ली कि जो बेसिक पे होगा उसका 50 परसेंट निकाला जाएगा सुपर एनुवेशन मतलब जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी सर्विसेज उस टाइम पे देखने वाली बात यह है कि कम से कम पच्चीस साल तक की सर्विस आपने दी हो और अगर मानो कि आपने कम से कम कम से कम दस साल की सर्विस तो दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में प्लस आप 25 तक नहीं गए पर 25 से थोड़ा कम रह गया तो ऐसे में जितना कम रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको लेसर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो प्रोपोर्शन फिक्स कर दिया जाएगा कैलकुलेशन के आधार पर इसके अलावा फैमिली को भी प्रोविजन किया गया है कि पेंशन लेने वाले बंदे की डेथ हो जाती है तो नियर डिपेंडेंट्स को सिक्सटी उनकी जो भी पेंशन चल रही है सिक्सटी उनकी कंटिन्यू रहेगी और एक बड़ी बात इसमें शोर्ट मिनिमम पेंशन का प्रोविजन है जिसमें दस हजार रुपए पर मंथ की बात की गई है कि अगर पेंशन लेने वाला बंदा उसकी पेंशन कैलकुलेशन के बाद में आठ हजार नौ हजार बन रही है तो भी उसको कम से कम दस हजार तो दिया जाएगा इसके अलावा इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की प्रोविजन कर दी कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं जो भी गवर्नमेंट के अंडर में उन लोगों के लिए जो फॉर्मूला है वही यहां पर लगेगा क्योंकि महंगाई के साथ में थोड़ी इनकम बढ़नी जरूरी है अदरवाइज फिर काम बिगड़ जाएगा सुपर इन्यूएशन पेमेंट की बात करें कि जब इंडिविजुअल रिटायरमेंट होगा तो उस टाइम पर क्या मिलेगा तो दो, देखो एक तो ग्रेचुअटी मिलेगी जो कि मोर और लेस फिक्स अमाउंट रहता है है ना कि हाँ भाई आपने आपने अपनी अपनी सर्विसेज दी दी बड़ी मेहनत से दी, इतना टाइम जिंदगी का दे दिया तो ये तो फिक्स अमाउंट आपको एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर दिया जाएगा प्लस जो डीए मिलता है या फिर जो मंथली सैलरी आती है ना उसका वन टेंथ कैलकुलेट किया जाएगा और जो वन टेंथ होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे निकाली जाएगी जितनी आपकी सर्विस रहेगी ना तो उनमें हर छह महीने की कैलकुलेशन देखी जाएगी जितनी सर्विस आपने दी उस समय की उस टाइम की क्या आपकी सैलरी थी उसके हिसाब से हर छह महीने की कैलकुलेशन लेकर के और फिर ओवरऑल जो फिगर बनेगा वो आपको फाइनल रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाएगा तो इस तरीके से ये रिटायरमेंट के टाइम पे जो अमाउंट मिलेगा वो ग्रेच्युटी के अलावा एडिशनल ये अमाउंट और मिलने वाला है तो ये हो गया आपका सुपर एन्युएशन पे आउट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द शेंडोंगपुर ग्लेशियर

ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है तो ऐसे में इसमें स्टेटमेंट केवल दो है ना वो ही सही है बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है अब देख लेते हैं इसका आंसर हम डिटेल में सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र का मैप आप देखो यहां से यरलुंग शेपो के नाम से ओरिजिनेट होती है तिब्बत वाले एरिया से और फिर उसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लासा इधर से ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लोहित और इधर से आप देख सकते हैं ये है धनसिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो कुल मिलाकर के स्टेटमेंट थर्ड क्लियर हो गए यहाँ पे फिर ये एंटर होती है ना इंडिया में तो उसके बाद में आप देखोगे इसका नाम होता है दिबांग दिबांग के बाद में ये लोहित से जैसे ही ज्वाइन करेगी तो दिबांग और लोहित मिलकर और शियांग जब ज्वाइन कर लेती है दिबांग लिहांग दिबांग लोहित और शियांग तो ये बन जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी ठीक है असम के प्लेन्स में फिर ये एंटर होती है बांग्लादेश में जहां पर इसको जमुना नाम से जाना जाता है फिर ये पदमा और मेघना के साथ मिलकर के अल्टीमेटली जाकर के गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देख लेनी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो ये मेजर खुद तो देखो स्ट्रीम है वो सियांग है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में दिबांग लोहित ये हो गई और इसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते हो बारिनारसी ठीक है दिखाऊ धनसिरी कपिली कोलांग ये तो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है राइट right बैंक में सुबनसिरी बरानाडी ठीक है बरान्डी मानस संकोश तीस्ता ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ठीक है रिवर की डायरेक्शन होती है ना उससे राइट right और लेफ्ट कैलकुलेट किया जाता है तो अभी क्या है इशू देखो हो क्या रहा है कि ये जो सेंडोंगपो गली है ना वहां पर कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स देखे जा रहे हैं रीजन बीइंग कि देखो चाइना का इतना कुछ गड़बड़े करता रहता है देखो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रहा है कि हिमालयन रीजन है ना वो आपको पता है जियोलॉजिकली अनस्टेबल है लगातार ग्रो कर रहा है बढ़ रहा है उसकी साइज बढ़ रही है इंडियन प्लेट लगातार एशियन प्लेट के अंडर में सबडक्ट कर रही है तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं उसके चलते ये अपने आप में न्यूज में आ गई ओरिजिन कहां से होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का जगह का नाम याद रखना चमय्योंग डोंग ये ग्लेशियर का नाम है ये बेसिकली हिमालय के नॉर्दर्न रीजन तिब्बत वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है और वहीं पर एक लेक है जिससे ये लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लॉकेट है लेक का नाम है लेक मापम ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो जैसे इंडिया में एंटर होती है तो एक बैंड लेती है आप यहां पर देखो किस तरीके से घूम रही है इस वाले एरिया में घूम रही है है ना ना ये ये जो बैंड लिया जा रहा ना, ये आप देखो माउंट माउंट नामचा और गयाला पेरी के बीच से हो रहा है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्ज है बहुत गहरा गॉर्ज है इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टंगजेर फर्स्ट सैटेलाइट टंगजेर या टंग

और मीथेन के एमिशन को डिटेक्ट करने के लिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकंड एकदम सही है तो देख लेते हैं क्या है पूरा देखो होता क्या है कि आपको पता, की स्पेस में काम करने वाली यह कंपनी है तो उसके द्वारा फाल्कन नाइन रॉकेट का यूज किया गया और कैलिफोर्निया का जो लॉन्चिंग स्टेशन है जिसका नाम है तानाजीर नाम से ये सेटेलाइट है ये लॉन्च किया गया है इसका मेन टारगेट क्या है इसका मेन टारगेट है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के एमिशन को डिटेक्ट करना इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है में उसका नाम है इमेज स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी तो ये डेवलप किसने की टेक्नोलॉजी ये नासा का जेट प्रोपोल्सनटरी है ना उसके द्वारा ये डेवलप की हुई है काम कैसे करेगी आपको पता ना अर्थ सरफेस पर जैसे ही सनलाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है ना तो रिफ्लेक्शन में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की कॉम्पोजिशन का वेरिएशन आएगा एटमोस्फियर में उसमें फिर रिफ्लेक्टेड लाइट की जो वेवलेंथ होगी ना उसमें चेंज आएगा और उसी वेवलेंथ को फिर बाद में डिटेक्ट कर लिया जाएगा जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट मतलब थोड़ा चेंज आ गया उस चेंज को फिर बाद में इस टेक्नोलॉजी का यूज करके डिटेक्ट किया जाएगा पता पड़ जाएगा कि किस देश के द्वारा या कौन सी जगह से ज्यादा एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का अगला सवाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिथियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड in the year 2023 australian lithium is mainly extracted from brines whereas chile's lithium is mainly produced from hard rock mines correct statement aapko choose karna pause karo apna answer ready karo देखो first statement क्या कह रहा है Australia largest producer रहा 2023 के साल में ये बात बिल्कुल सही है इसमें कोई कोताही नहीं है वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लिथियम निकाला जाता है वो तो ब्राइन के मेथड से जबकि चिली में हार्ड रॉक के तौर पे ये उल्टा है मामला ये गलत स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया में तो निकलता है कैसा हार्ड रॉक के तरीके से और चिली के अंदर निकलता है ब्राइन के कॉन्सेप्ट पे तो कुल मिलाकर के आंसर आपका ए चला जाता है ए इज द राइट आंसर अब सवाल यह आता है कि क्यों ये क्वेश्चन बना देखो चिली में जो अटाकामा सॉल्ट ये डेजर्ट है ना यहां पर सॉल्ट पैन है बहुत बड़ी जमीन है उसमें क्या हो रहा है कि लिथियम की माइनिंग लगातार की जा रही है जिसके चलते हैं वो जमीन है ना वहां की वो एक से दो सेंटीमीटर हर साल धस रही है नीचे घुस रही है क्यों हो रही है क्योंकि यहां पर मेथड यूज होता है ब्राइन एक्सट्रैक्शन इस तरीके से इसमें क्या होता है कि जो नीचे अंडरग्राउंड सोल्ट वाटर है ना उसको पुश किया जाता है ऊपर सरफेस की तरफ और उसको ऊपर ला करके और फिर यहाँ पर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है अब ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे तो पानी तो इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाएगा और पीछे व्हाइट जो कंटेंट रहेगा उसको प्रोसेस करके उसमें से निकाल लिया जाएगा आपका लिथियम कंटेंट। और लिथियम की डिमांड आपको पता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो लिथियम की डिमांड दुनिया में बहुत ज्यादा है इसी वजह से लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोल दिया जाता है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर लगातार निकाला जा रहा है इसके चलते ये धस रही है जमीन ठीक है तो लिथियम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और आज के समय रिचार्जेबल बैटरीज के चलते लिथियम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है चाहे फिर वो लैपटॉप मोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ भी हो इवन क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो उसमें भी लिथियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग कंट्री रहा दो में ऑस्ट्रेलिया के बाद में चिली और चाइना का नंबर आता है लिथियम की अगर बात करें तो आज के समय में दो तरीके से इसकी माइनिंग होती है एक तो हार्ड रॉक सीधा खोदा निकाल लिया और एक ब्राइन माइंड जो कि हमने चिली वाले अटाकामा डेजर्ट की बात कर ली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट या बिगेस्ट सप्लायर है वहीं पर अर्जेंटीना चिली और चाइना ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है बट यहां पर जो माइनिंग होती है वो तो होती है ब्राइन के आधार पर वो ही वही सॉल्ट वाटर को सरफेस पे लाके वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में होती है हार्ड माइनिंग के हार्ड रॉक्स की माइनिंग के आधार पर ठीक है अगला सवाल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज इन द इंडिया इन इंडिया एट प्रेजेंट देयर आर सिक्स लैंग्वेज दैट एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस इन इंडिया संस्कृत फर्स लैंग्वेज इन इंडिया टू अकॉर्ड अडेड क्लासिकलटस इन टू थालिकल लिस्टेड इन द एथ कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना पॉज करो अपना रेडी कर लो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट छह हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है बट सेकंड स्टेटमेंट संस्कृत नहीं है तमिल नाम आएगा तो ये गलत हो जाता है तो दूसरा स्टेटमेंट आप गलत कर दो तीसरा फिर देखो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप गलत कर दो तो दूसरा वैसे ही गलत होते हैं तीसरा ऑटोमेटिकली सही हो गया भाई वही शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस है उन्हीं में से हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस के टैग दिए हुए हैं तो ऐसे में आपका आंसर बी चला जाता है अब सवाल ये आता है कि क्यों ये सवाल बना सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि तेलुगु कन्नड़ और मलयालम और उड़िया ये तीनों ये चारों के चारों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि, कि किस तरीके से हमारे छह इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला तो ये थोड़ा सा ऑटोनॉमी चाहती है अपने एक्सपेंशन को अपना डेवलप करने से रिलेटेड इनसे एसोसिएटेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन होना चाहिए राइट right? तो ऐसे में क्लासिकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनके पास में बहुत पुराना हिस्ट्री है खुद की लिटरेचर है खुद की एक तरीके की स्क्रिप्ट्स हैं, लिखी हुई किताबें हैं लिखा हुआ कंटेंट है प्रेजेंटली बात करें तो छह हमारे लैंग्वेजेस हैं जिनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं तमिल सबसे पहली लैंग्वेज थी जिसको दो में टैग मिला फिर उसके बाद में संस्कृत को दो हजार पांच कन्नड़ को दो हजार आठ तेलुगू दो हजार आठ मयालम दो हजार तेरह और उड़िया दो हजार चौदह सबसे नई कौन सी है उड़िया सारी जो क्लासिकल है वो आपको एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएगी और एथ शेड्यूल में मेंशन करने का मेन काम क्या है कि कैसे भी करके हम हमारे रीजन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके उसको हम प्रमोट कर सकें ठीक है तो इस तरीके से क्लासिकल लैंग्वेज वाली बात भी हो गई हमारी आगे चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एनआईएलपी के बारे में ये तीन स्टेटमेंट आपको सही वाली स्टेटमेंट को चूज करना है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द द एम्स टू करोड़ लर्नर पर ईयर एज ऑफ सिक्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू टू थाउजेंड थर्टी सेकेंड स्टेटमेंट एनआईएलपी इंक्लूड्स क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सच एज डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी एज पार्ट ऑफ द लिटरेसी डेफिनेशन थर्ड द स्कीम इज टू बी इंप्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटियरिज्म बताओ भाई स्टेटमेंट कौन से सही है कौन से गलत है देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है एनआईएलपी का जो ये टारगेट है ना एक करोड़ का नहीं है भाई ये पांच करोड़ का है और उम्र है ये छह साल से ज्यादा नहीं ये आप यहां पर देखोगे पंद्रह साल या उससे ज्यादा की बात हो रही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत फर्स्ट स्टेटमेंट गलत तो ए भी गया आपका डी भी गया फिर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की बात करो तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है तो आंसर इज सी देख लेते हैं क्या है पूरा मामला हुआ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अभी जो नेशनल इंडिया ये जो न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम है ना इसकी कुछ चीजें हैं वो आप कह सकते हो कि रिलीज की है तो उसमें ये बताया गया है कि एक तो फुल लिटरेसी अचीव करनी है फुल लिटरेसी का मतलब ये नहीं है हंड्रेड परसेंट ये कि जो डेफिनेशन दे रही है सरकार उसमें प्रॉपर अगर फुलफिलमेंट की बात करें तो नाइनटी भी अचीवमेंट हो जाता है तो उसको फुल लिटरेसी बोल दिया जाएगा तो उसमें लिटरेसी की डेफिनेशन भी बताई गई है कि क्या बोला जाएगा इसमें लिटरेसी की डेफिनेशन को तो सबसे सब पहली चीज ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है इसको हम हिंदी में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी बोलेंगे ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दैट मीन्स अपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन और ये पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है ये पार्ट ठीक है इसके अलावा 15 साल उससे ज्यादा के लोग जो होंगे उनको एक ऐसी एजुकेशन देना जिससे कि आज के समय में वो अच्छी जिंदगी जी सके इसमें आपको मैंने बता दिया कि 15 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों पर फोकस किया जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि पांच करोड़ लोगों को तैयार करना है पढ़ा लिखा करके हमें जिसमें एक करोड़ तो कौन होंगे जो ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ेंगे मतलब ऑनलाइन के थ्रू इसके अलावा लिटरेसी की डेफिनेशन क्या दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लिटरेसी का मतलब ये है कि पढ़ना लिखना गणित की कैलकुलेशन करना डिटेल समझना ये सारी चीजें इसके अलावा देखा जाए आइडेंटिफाई करना इंटरप्रेट करना किसी बात को लिख करके समझना इसमें डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी कॉम्प्रिंसिव मैन में, में स्टडी देने की एजुकेशन देने की बात की हुई है तो डेफिनेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई याद रख लेना इसकी फुल लिटरेसी का मतलब क्या बोल दिया जाएगा अगर नाइन्टी टारगेट्स भी अचीव हो गए सेंट्रल ये स्टेट्स और यूटीज में तो फुल लिटरे कंसिडर कर लिया जाएगा स्पिरिट क्या है इसमें वॉलेंटियरिज्म के आधार पर मतलब जो करना चाहते हैं वो खुद आ गया हो और पढ़ाई करो कर्तव्य बोध का कॉन्सेप्ट है दूसरा जन भागीदारी लोगों को साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ाना है एक विकसित भारत की तरफ हमें पढ़ी लिखी जनता को आगे लेके चलना है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका अगला सवाल देख लो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो प्लास्टिक्स माइक्रोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स दैट आर लेस देन फिफ्टी एम एम इन लेक्रो प्लास्टिक आर यूज इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज केमिकल इफेक्टिवली

सबसे पहली चीज तो कि अभी क्या है ह्यूमन ब्रेन तक माइक्रोप्लास्टिक देखा गया है माइक्रो कैसे बन सकता है भाई सीधी बात है नमक जो होता है है ना प्लास्टिक की पॉलिथीन में पैक होकर के या फिर वैसे इसके अलावा जो बेवरेजेस ड्रिंक है वो उसमें सी फूड में भी माइक्रोप्लास्टिक है वो आप कह सकते हो कि एनिमल्स के थ्रू वो फूड चेन में एंटर हो जाते हैं बॉटल्ड वाटर अब सीधी बात है कई सालों तक आप पानी पी रहे हो पानी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो बॉटल में अगर पानी पड़ा रहेगा तो वो भी तो थोड़ा थोड़ा घुलता रहेगा ना टेम्परेचर के साथ में तो ऐसे में फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में एंट्री मिलेगी कि नहीं अब डिफरेंट ऑर्गन्स में उन माइक्रोप्लास्टिक की प्रेजेंस आ रही है इसकी वजह से आप क्या देख सकते हो गेस्ट्रो इंटेंसिनल प्रॉब्लम पेट की प्रॉब्लम एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन जो हमारी ग्रंथियां हैं वो बिगड़ जाती हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कार्डियोवेस्कुलर स्किन से रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शन ये चीज़ें कॉमन सिम्टम्स के तौर पे देखी जा रही है तो ये अपने आप में बड़ी वाकई में कंसर्निंग बात है कि हमारे एनवायरमेंट में हमने प्लास्टिक का कितना पोल्यूशन बढ़ा दिया है डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक वो होते हैं जिनकी साइज पाँच एम से कम होती है और माइक्रो प्लास्टिक्स का यूज बहुत सारे काम में होती है जैसे कि ड्रग डिलीवरी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के अंदर इसके अलावा एयर ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी दैट मीन मशीन को क्लीन करने के लिए हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक जब डाल देते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से क्लीन हो जाता है सिमिलरली लेयर रिमूवल का काम भी एक्सफोलिएशन जिसको बोलते हैं किसी लेयर को हटाना है गंदगी तो उसमें भी इसका यूज हो जाता है इसमें देखो टूथपेस्ट है टूथपेस्ट में भी यूज होता ही है स्क्रब है ठीक है जो फेशियल स्क्रब आते हैं और भी बहुत सारे ब्यूटी ब्यूटिशियन रिलेटेड जो प्रोडक्ट उनमें यूज होता है इसका है ना तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग फैक्टर है आ जाओ सवाल तीसरे पे कंसिडर रिगार्डिंग द विज्ञान धारा स्कीम इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेकंड ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है थर्ड विज्ञान धारा स्कीम जो है एम टू अचीव जेंडर पैरिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है पॉज कर लो अपना आंसर तैयार कर लो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि विज्ञान धारा की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का है ना कि एजुकेशन का राइट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ड का मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रही है सेक्टर का मतलब कंप्लीट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो ऐसे में दूसरा और पहला दोनों स्टेटमेंट गलत है तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि इसमें क्या किया जा रहा है कि कैसे भी करके हम जेंडर पेरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं साइंस सेक्टर में जो महिलाओं की कम रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाना है हमें तो आंसर इसका डी चला जाता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए देखो इसका आंसर तो यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली एक अम्ब्रेला स्कीम है वो लॉन्च की है अप्रूवल दे दिया है उसको ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम होगी मैंने बता दिया हंड्रेड परसेंट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है डी जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है इसके तीन ब्रॉड कॉम्पोनेट्स है याद रख लेना नंबर वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग सेकंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट तीसरा इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है हम रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना चाहिए

वाटर कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि हमारे देश में इक्यासी रिवर्स और उसकी जो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें जो हैवी टॉक्सिक मटी मिनरल्स है मेटल्स उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये कहीं ना कहीं उस वाटर कंज्यूम करने पर बहुत ज्यादा डेडलियस साबित हो रहे हैं लोगों के अंदर बीमारियां फैल रही है तो ऐसे में इनके बारे में जानना जरूरी है देखो मर्क्यूरी की अगर बात करें ना तो मर्क्यूरी की वजह से मिनामाटा डिजीज होती है जो जापान में डिटेक्ट हुई थी है हाँ ना इसके अलावा देख ये एक नर्व सिस्टम को डैमेज करने वाला मैकेनिज्म होता है हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड सारा जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वो सारा का सारा डिसऑर्डर में चला जाता है बिगड़ जाता है इसके अलावा ब्रेन किडनी डैमेज लंग डिस्कंफर्ट आई इरिटेशन स्किन रैशेज वॉमिटिंग डायरिया ये कई आस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको मर्क्यूरी इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा फिर कैडमियम की बात करें तो कैडमियम से अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया कैडमियम की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ गई तो आप ये मान के चलो कि बोन है ना वो दुखनी शुरू हो जाएंगी इटाईटाई जो डिजीज है ये भी जापान में डिटेक्ट हुई थी इसका मतलब सिंपल सा मतलब इट हर्ट्स इट हर्ट्स दर्द होता है टच करो वहीं पे दर्द तो वो हड्डियों को कमजोर बना देती है कैडमियम की एक्सपोजर सिमिलरली आर्सेनिक की बात करें तो ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है या आप देखो इधर बंगाल की तरफ बिहार इधर आर्सेनिक कंटेमिनेशन आ रही है पानी के अंदर तो प्रॉब्लम आ जाती है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग देंट फर्स्ट यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स क्विकर क्रेडिट असेसमेंट रिड्यूज द नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन एंड स्पीड अप द लोन अप्रूवल प्रोसेस सेकेंड यूएलॉर्म इंटीग्रेट सीमलेसली वेरियस फाइनेंशियल डेटाबेस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भाई स्टेटमेंट आपको चूज करना है दोनों स्टेटमेंट सही गलत कौन सा है सपोर्ट कर रहा है क्या सेकेंड वाला फर्स्ट वाले को बताओ पॉज करके देखो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है और सेकेंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को सपोर्ट कर रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे में क्या है कि ये जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है ना इसका काम क्या है आप डिफरेंट आपको पता है डिजिटल सेगमेंट में हमारी कितनी इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे शेयर हो चुकी है तो उन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन डाल देते हो और उस एप्लीकेशन का अप्रूवल आते हैं आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो कुल मिलाकर ये प्रोसेस सारा ऑनलाइन हो रहा है ना ये मैकेनिज्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का तो इसमें प्रॉब्लम भी कम आती है समय भी कम लगता है और ज्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़ते हैं ठीक है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर इज ए एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर दे रहा है तो ये आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी उन्होंने ये कहा है कि हम आ, कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के तौर पे हम काम कर रहे हैं कुल तो मिलाकर तो के देखा जाए तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के अंदर यही काम है कि हम कैसे बैंकिंग सर्विसेज को डिजिटल सेगमेंट में और क्विकली अवेलेबल करा सकते हैं राइट इसमें कंसेंट बेस मतलब आप अपनी तरफ से अप्रूवल दे दो और जल्दी जल्दी आपको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं आजकल बैंकों में भी इतनी माथा पची नहीं होती है बट यस आपका आपका जो डेटा होता है जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरा एकदम ट्रेस होता है है ना वो चीज हो गई तो इसमें क्या है इंटीग्रेशन हो रहा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सिंपल चलो अगला सवाल देख लेते हैं इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न चिली बिटवीन द कोस्टल कॉर्डिलेरा डेला कोस्टा माउंटेन एंड द

कोल्ड वाटर करंट होती है वो डेसिकेटिंग इफेक्ट लाती है दैट जहां से भी ठंडी पानी की धारा गुजरेगी वहां पर आसपास का टेम्परेचर क्या होगा ड्रॉप टेम्परेचर ड्रॉप अगर हो गया तो सीधी बात है वहां पर रेनफॉल होने का स्कोप हो गया मिनिमम क्यों क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया दैट मीन्स ठंडा हो गया ठंडा हो गया तो कंडेंसेशन का स्कोप तो ग्राउंड लेवल पे ही हो गया बरसात तो तब होती है जब ऊपर उठे हवाएं ऊपर उठ करके फिर कंडेंसेशन हो और गर्म होती है हवाएं तभी ऊपर उठती हैं गर्म होती है तभी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है अब ठंडी हो गई हवाएं तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी तो रही नहीं जैसे कि हम सर्दियों की बात करें तो हमारे यहाँ पर सर्दियों के अंदर हमारी स्किन कितनी ड्राई हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर नहीं होती है हवा के अंदर इस वजह से हमें मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर सूखी कंडीशन बन जाती है तो आप जहाँ कहीं भी कोस्टल एरियाज में डेजर्ट्स की प्रिवेल प्रेजेंस देखोगे तो वहां पर कोल्ड वाटर करंट की प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी ठंडे पानी की धारा दिख जाएगी तो बेसिकली हम्बोल्ड करंट के चक्कर में ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये वन ऑफ द ड्राइस्ट डेजर्ट है जो कि कोस्टल एरिया में लोकेटेड है ये चिली के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है और अच्छे से आप एक बार फिर से देख लो क्यों ये न्यूज में आया ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है इस बारे में कि किस तरीके से ब्राइन एक्सप्लोरेशन uh, हो रहा है जिसके चलते ब्राइन मेथड के थ्रू जो आप ये निकाल रहे हो लिथियम इसकी वजह से चिली के अंदर जो अटाकामा डेजर्ट वाले एरिया में सॉल्ट पैन है वो क्या कर रहा है सिंक कर रहा है ठीक है वैसे देखा जाए तो ये एरिया ऐसा है जहां पर रेनफॉल आपको कम मिलेगी तो शेडोर ऑफ रेन भी बोल दिया जाता है इस रीजन को ये ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है क्यों क्योंकि पोलर रीजन में थोड़े ना लोकेटेड है पोल पे तो आपको अंटार्क्टिका या फिर आर्कटिक रीजन के आसपास में होना चाहिए था तो नॉन पोलर हो गया ये इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये अपने आप में ऐसा लैंडस्केप है जो कि मार्स मिशन के हिसाब से बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ की कंडीशन मोरोलेस वैसी है जैसे हमारे मंगल ग्रह की है क्लाइमेट की बात करें तो बहुत एरिड है हम्बोल्ड करंट का मैंने बता दिया हम्बोल्ड करंट और पेरुवियन करंट नाम एक ही है ध्यान नाम अलग अलग है बाकी चीज एक ही है ठीक है ये आपको ध्यान रख लेना है चलिए नेक्स्ट आते हैं पेरुवियन डेजर्ट की बात करें जो ऑप्शन में थे तो पेरुवियन डेजर्ट तो पेरू पेरू कंट्री है यहां पर आप देख लो पेरू ये ऊपर वाला है यहाँ पर ये डेजर्ट है पटागामा का एक्सटेंशन बोल सकते हैं आप इसको दूसरा अगर बात करें तो आपका पेटागोनियन पेटागोनियन डेजर्ट है ये साउथ अमेरिका के साउथ में है यहां पर है ये ठीक है और फिर उसके बाद में नामीबियन आपका डेजर्ट आ जाता है नामिब डेजर्ट तो ये अफ्रीका के आपके वेस्टर्न रीजन में दिख जाएगा यहां पर ठीक है जो कि मेजरली कौन कौन से कंट्रीज में अंगोला नामीबिया साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉकेट इंजन है, को लेकर जान लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल देखो मुद्दा क्या है कि अभी इंडिया की तरफ से फर्स्ट रीयूजल हाइब्रिड रॉकेट रूमी जो है वो आपने लॉन्च किया है इसका मतलब रॉकेट ऐसा जो री हो सके है ना अभी हमने देखा स्पेस एक्स के अपने खुद के जो एलोन मस्क वाली कंपनी है उसके कई ऐसे रॉकेट्स हैं जो रीयूजेबल है तो वही चीज हमने भी यहाँ पर लोकली डेवलप की है जिसमें तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप हैं जिसमें एक का नाम तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया और दूसरी तरफ आपका मार्टिन ग्रुप इन्होंने मिलकर के और ये डेवलपमेंट की है तो ये अपने आप में वाकई में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव कदम है हमारे लिए कल को हम रॉकेट लॉन्च करेंगे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे या फिर एक जगह से हम मल्टीपल लॉन्चिंग करना चाहते हैं है हाँ ना तो उसके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा तो ये एक तरीके का हाइब्रिड रॉकेट इंजन है ठीक है इसके अलावा इसमें देखा जाए हाइब्रिड क्यों बोला है रीलॉन्चिंग हो रही है ना इसमें इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया और इसमें फ्यूल जो है वो हमारा जो बेसिक फ्यूल है वो यूज हो रहा है जो नॉर्मली दूसरे रॉकेट्स में होता है इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी अगेन इसको री कर पाएंगे तो लागत कम आएगी ही इसके अलावा इसका एंगल एडजस्ट भी आसानी से किया जा सकता है जीरो से 120 डिग्री मतलब आप कैसे भी करके इसको वेरिएबल हाइट वेरिएबल एंगल्स के ऊपर सेट करके भी लॉन्च कर सकते हैं इस इंजन से पैराशूट सिस्टम भी है कि हाँ भाई अब रीयूज करना है तो वापिस भी तो आएगा ना ये फ्री इंजन लॉन्च करने के बाद में तो फिर वहां पर उसको लैंडिंग एकदम स्मूथ हो तो उसके लिए पैराशूट का मैकेनिज्म भी भी है भी है है एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे कि एक तो 100 पायरोटेक्निक फ्री है, इसका मतलब बर्निंग जो होती है ना फ्यूल की उसमें एकदम जीरो ही कर दिया उसको जो बर्निंग जिसको हम बोल सकते हैं और एक जो टी केमिकल होता है टीएन टी एक ऐसा केमिकल होता है जो कि नॉर्मली हमारे फायर क्रैकर्स में देखने को मिल जाता है तो उसका यूज है ना बिल्कुल ही इसमें बंद किया है ठीक है ये एक्सप्लोजिव होता है एक तरीके का केमिकल है बेसिकली ठीक है और एप्लीकेशन की बात करें तो भाई इस तरीके के रॉकेट से हम ऐसे सेटेलाइट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं जो कि हमारी एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकेंगे तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैनो डीएपी डीएपी का मतलब हो गया आपका अमोनियम फॉस्फेट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा Second, आपको करना, करो, अपना करो. देखो, है नैनो ना वो तो आपको एकदम क्लियर टेक्निकल अगर थोड़ा क्लियरिटी है तो आराम से ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नैनो डीएपी का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी तो देखो वहां पर कम ही मिलेगी तो ऐसी परिस्थितियों में जो नाइट्रोजन का जो

एक स्टडी की गई जिसमें नैनो डीएपी है ना वो अप्लाई किया खेतों के अंदर रिजल्ट क्या मिला उनको जो गेहूं की पैदावार है उसमें कमी देखने को मिली एज कंपेयर टू कन्वेंशनल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्यों जी क्योंकि नैनो डीएपी में नाइट्रोजन की कमी रहती है इस वजह से उसकी एप्लीकेशन से जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई तो ऐसी परिस्थितियों में वीट की जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिली ये पॉइंट आता है तो इस वजह से ये क्वेश्चन बन गया अब देखो इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं इफ्को के द्वारा डेवलप्ड है ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर अगर हम नैनो डीएपी की बात करें उसमें आठ परसेंट नाइट्रोजन सोलह परसेंट फॉस्फरस होता है, है। ये तो हमने कंपैरिजन और फोर्टी सिक्स परसेंट आपका आ, क्या कहता है डिये, कन्वेंशनल डीएपी में फॉस्फ्रेट होता है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नैनो जो आपका डीएपी है उसमें क्वांटिटी भी कम की गई है बट इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है कि बहुत ही ज्यादा एफिशियंट रहता है इसका मतलब ये कि नैनो जो आपका डीएपी है उसमें जो आप पार्टिकल यूज कर रहे हो ना फर्टिलाइजर का उसकी साइज कितनी है 100 नैनोमीटर से भी कम तो कितना ज्यादा कम हो गया है ना इसके अलावा नैनो डीएपी जो है वो एफिशिएंट है क्योंकि एकदम एक्यूरेटली जाकर के प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है बट वही चीज है ये जो आप कहोगे कि वीट पे तो में तो प्रोडक्शन में कमी आई है तो वो क्वांटिटी की कमी की वजह से कम आई है बाकी एफिशिएंसी आपको बढ़िया मिलेगी इसके अलावा 500 सौ की नैनो डीएपी लगभग 50 किलोग्राम डीएपी जो कन्वेंशनल है पुराना वाला डीएपी जो हम छिड़क कर यूज करते थे उसके कंपेरिजन में रहता है वो, आप देख लो कितना ज्यादा है कॉस्ट की बात करें नैनो छह सौ रुपए में बॉटल आ जाती है वहीं पर पुराना डीएपी कन्वेंशनल खरीदो 50 किलो का आपका कट्टा आएगा पूरा पैकेट आएगा तेरह सौ का वो तो सब्सिडाइज है जबकि है ना इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ होती है डीएपी डीओपी की डीएपी की कलोल कांडला गुजरात और ये दोनों तो गुजरात में कलोल और कांडला तो और पारद्वीप आपका उड़ीसा में इसके अलावा सब्सिडी को थोड़ा रिड्यूस करना चाहती है सरकार इस वजह से नैनो डीएपी एक अच्छा ऑप्शन है और बेनिफिट्स भी फार्मर्स को पहुंचेगा समय के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है इंडियन रेलवे एम्स टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन हेमिटर बाय टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है द रेलवे प्लांस टू रिक्वायर थर्टी थाउजेंड मेगा वोट ऑफ है आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर ऑप्शन चूज करना पॉज कर लो अपना आंसर रेडी कर लो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नेट जीरो एमिटर बनना चाहता है इंडियन रेलवे 2070 तक नहीं 2030 ही है भाई तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है इंडियन रेलवे जो है उसको तीस हजार मेगावॉट की रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल कैपेसिटी अपनी डेवलप कर रहा है दो हजार मेगावाट तक, तक की, की कैसे भी करके हम फॉसिल फ्यूल से स्विच करें तो ये बात बिल्कुल सही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर डी चला जाता है फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अब जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा इंडियन रेलवे न्यूक्लियर पावर के आधार पर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहता है न्यूक्लियर पावर आपको पता है बहुत कम इनपुट के आधार पर आप अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हो तो ऐसे में वो एक क्लीन एनर्जी सोर्स के तौर पर भी देखा जाता है ना तो इस वजह से क्या किया जा रहा है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ स्विच करना चाह रहे हैं और इंडियन रेलवे का टारगेट है कि वो 2030 तक नेट कार्बन जीरो एमिटर बने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जितना एमिशन हो जितना एमिशन हो उतना कैप्चर करने की व्यवस्था कर दे या फिर हम बिल्कुल क्लीन एनर्जी पर रिलाई करें ये टारगेट है ठीक है अब इसमें क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है एक तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अब अप्लाई करने वाले हैं जिसमें जैसे थ्री फेज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मतलब जो इंजन है वो केवल इलेक्ट्रिक वाले ही यूज होंगे आपको पता है इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत हद तक हो चुका है हमारी रेलवे लाइंस का दूसरा रीजनरेटिव टेक्निक यूज करना जिसके चलते कि रेलवे को जो ट्रेन को जो पिकअप करना होता है लोकोमोटिव को खींचना होता है शुरुआत में जो लोड रहता है उसके लिए टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी इसके अलावा हेड ऑन जनरेशन मैकेनिज्म को यूज करना आपने ध्यान दिया होगा कि एसी या फिर जो भी हमारी रेलवे रिक्वायरमेंट्स होती है हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो पैसेंजर्स की तो उसको सप्लाई देने के लिए पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ इंजन के पास में जनरेटर लगा रहता है हम सोचते हैं ना कि यार इंजन तो तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक लगा दिया लोकोमोटिव तो आपने इलेक्ट्रिक लगा दिया और यहाँ पर अब तुम अभी भी डीजल से चला रहे हो इंजन को वो बेसिकली रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है जो पंखे चलाने हैं लाइट चलानी है तो ऐसे में उसको हटा करके वो जो आवाज करता है ना बहुत जोर जोर से जनरेटर होते हैं दो बड़े बड़े है ना एक अलग से पूरा एक बॉगे टाइप होता है वो तो उसको हटा करके अब हेड ऑन जनरेशन मैकेनिज्म यूज किया जाएगा इसका मतलब लोकोमोटिव के थ्रू ही पूरी सप्लाई दे दी जाएगी इससे कि फिर वो एडिशनल आपको इक्विपमेंट इंस्टॉल करना होता है वो खत्म हो जाएगा इसके अलावा एलईडी लाइट्स यूज करेंगे जिससे कि एफिशिएंसी आ सके तीस दो तक टारगेट है रेलवे का कि तीस मेगावॉट एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल कैपेसिटी के आधार पर डेवलप हो जाए जिसमें एक सौ सोलर प्लांट तो ऑलरेडी फरवरी दो हजार तक हो चुके हैं डेवलप 103 जो है वो विंड पावर प्लांट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, हो चुका है तो ऐसे में फर्स्ट स्टेटमेंट इन करेक्ट सेकेंड इज राइट चलिए थर्ड देख लेते हैं कंसिडर रिगार्डिंग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स फिक्स डोज ड्रग्स एफ ड्रग इज अ कॉनकोटेशन कॉनकोटेशन क्टेशन कॉन्कॉक्शन चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ठीक है एफडीसी के बारे में एफडीसी ड्रग इज़

आपने देखा होगा एक ही दवाई से जुकाम बुखार दोनों सही हो रहे हैं है ना तो उसमें पैरासिटामोल भी डाल दिया निमोसोलाइड और ये कई कॉम्बिनेशन आपने यूज किए होंगे तो उससे क्या हो रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर है ना तो वो फिर बिना सोचे समझे लोग ले लेते हैं अब उसमें एंटीबायोटिक का कंटेंट हो गया तो फिर वो एमडीआर एक्सडीआर की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती तो इस वजह से फिर बंद ही कर दिया बैन ही कर दिया बोलो डॉक्टर की सलाह के बिना आप कुछ नहीं लोगे राइट तो कुल मिलाकर के दोनों स्टेटमेंट सही है इनमें क्या होता है आप कॉम्बिनेशन सेट करते हो ड्रग्स का जिसकी वजह से आप मल्टीपल बीमारी जो है उनको आप ट्रीट कर पाते हो तो आंसर आपका सी चला जाता है तो उसको गवर्नमेंट रोकना चाह रही है तो एक सौ छप्पन फिक्स कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया गया है जिसमें चेस्ट एंड कोल्ड फॉरसेट फोरा ये फेमस ड्रग्स है ना ब्रांड से या नेम है ना जो फीवर और पेन के लिए यूज होते हैं पेन किलर हो गया फीवर हो गया तो उसके लिए हम बिना सोचे समझे यूज कर लिया करते हैं तो उनको बैन कर दिया गया क्योंकि इनके साइड इफेक्ट अभी आ रहे हैं ठीक है जी ये क्या होते हैं ये ऑलरेडी हमने देखी है इन्फेक्टियस डिजीजेस को भी कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं इस तरीके की ड्रग्स को तो ऐसे में बैन करना जरूरी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्ली बार्गेनिंग प्रैक्टिस वेयर बाई द अक्यूज एक्सरसाइज राइट टू प्लीड नॉट गिली एंड्रायल सेकेंड द प्रोसीजर आउटलाइंड इन सी आर पी सी अप्लाइज ओनली टू द ऑफेंस इज पनिशेबल बाई अपू सेवन ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट थर्ड इफ द कोर्ट रिजेक्ट द प्लीब आरगेन द केस कांट प्रोसीड टू ट्रायल करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है करो करो। अपना आंसर रेडी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं है, right है, है. मतलब है, बजाय की अपनी प्ली लगाने के तो ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की बजाय यूज करने की बजाय यूज नहीं करना होता है इसके अंदर अपनी जो राइट टू प्ली है उसको क्योंकि यहां पर कंप्लीट ट्रायल के लिए वो डिमांड जो करना चाह रहा है वो बेसिस पे करना चाह रहा है कि हाँ जी पूरी सुनवाई होगी अपने आप हो जाएगी मुझे प्ली बार्गेन करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है या फिर ये कहे प्ली बार्गेन के अंडर में उसको इस तरीके से अपने आप को गिल्टी ना साबित करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत नहीं इस तरीके की बात आती है तो ऐसी में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है एक्सरसाइज नहीं करता इसमें एक्सरसाइज करने की बजाय राइट टू प्लीड को वो क्या करता है छोड़ता है कि भाई मैं जानबूझ करके इसको यूज नहीं कर रहा क्यों क्योंकि उसके पास में और भी कई बेनिफिशियल अल्टरनेट्स अवेलेबल है वो हम देखेंगे दूसरा ये क्या कहता है कि सीआरपीसी में जिस भी सजा के लिए जिस भी ऑफेंस के लिए सात साल तक की जेल की सजा है उसके लिए आपको प्ली बार्गेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है ये बात बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्ली बार्गेनिंग की रिक्वेस्ट अगर डाल दी गई और वहां पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने रिजेक्शन दे दिया तो ट्रायल्स नहीं चलेंगी ऐसा कुछ नहीं है ट्रायल्स नॉर्मल चलेंगी अगर कोर्ट ने मना भी कर दिया कि हम प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कुल मिलाकर के आपका आंसर ए चला जाता है ओनली टू बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है अब देखो मुद्दा क्या है

फुल ट्रायल चलनी चाहिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी जो भी एविडेंस वो दे करके अपने आप अपने आप को साबित कर दूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ जो भी है ठीक है इसमें आप देख सकते हो इसका प्रोविजन जो है वो हमारे सीआरपीसी में 2005 में ऐड किया गया था एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसको आप देखोगे कि चैप्टर ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट ए ऑफ सीआरपीसी में आप देखो इसमें प्रोविजन क्या हुआ है कि सीआरपीसी के तहत जिस भी ऑफेंस के लिए सात साल तक की सजा है उसी के लिए आप इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यूज कर सकते हो जिसको हम बोल रहे हैं प्ली इसके अलावा प्ली बारिंग की बात करें तो ये यूज क्यों हो रही है यूज कम क्यों हो रही है हमारे देश में है ना इसके पीछे कारण है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पार्टीज के बीच में है ना कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनको रोकने का काम भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ऑफेंस कुछ और ही तरीके से हुआ था इसके अलावा पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली कहीं ना कहीं विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो, हो जाते हैं मुकर जाते हैं तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्ली बार्गेनिंग हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है ना इससे भी बढ़िया ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हो जाते हैं इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात करें अगर कोर्ट ने प्ली बार्गेनिंग की जो आप प्ली लगी है है ना उसको एक्सेप्ट किया तो काम होगा जो ठीक है प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा और अगर रिजेक्ट भी कर दिया तो ट्रायल्स तो कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि केस तो शुरू हो गया तो कोर्ट शॉर्टकट थोड़े ना मारेगा है ना तो वो चीज आगे कंटिन्यू रहेगी आगे चलते हैं द ब्रिक्स बेसिक जी ट्वेंटी जी फोर इब्सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बताओ इंडिया और ब्राजील इनमें कॉमन मेंबर्स किस किस में है पॉज कर लो अपना आंसर रेडी कर लो देखो छ के छह है ना इन सब में इंडिया और ब्राजील दोनों मिल जाएंगे आपको देख लेते हैं क्या है? हमारे है मिनिस्टर शंकर जी और उनके काउंटर पार्ट ब्राजील की तरफ से माउरो वीरा. ये जो है, न्यू डेली में का. तो ऐसे में ब्राजील और इंडिया की मेंबरशिप की बात आ जाती है देखो दोनों की जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होती है 1948 में जब हमने एक दूसरे कंट्रीज के अंदर एम्बसीज ओपन की बायलेटरल मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स की बात करें तो देखो ब्रिक्स बेसिक जिसमें ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया यूनेस्को वीपो जैसे मल्टीलेटरल बॉडीज जो है उनमें भी हम कॉमन मेंबर्स हैं इंपॉर्टेंस की बात करें देखो साउथ साउथ कॉपरेशन में हम साथ में खड़े रहते हैं दोनों बहुत बड़ी और इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमीज हैं ब्राजील हमारे लिए क्रिटिकल

नॉर्मल जो क्लासिकल बिट्स है बट क्वांटम बिट में क्या होता है जीरो और वन भी हो सकते हैं और जीरो और वन के बीच में भी कोई स्टेज हो सकती है कि हाँ कितना परसेंट टेंडेंसी उसके अंदर जीरो है। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक है बैलेंसिंग कि कोई भी अगर एक क्यूबिट है ठीक है तो वो क्वांटम बिट होगा ना तो उसकी पोजीशन कैसी हो सकती है उसकी कंडीशन कि हाँ भाई नाइन्टी परसेंट तो वो है जीरो और टेन परसेंट है वो वन इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन हो सकता है मतलब उसका पॉलराइजेशन उसका टिल्ट है ना वो डिसाइड करता है कि वो एक्चुअल में में है तो अब आप देख लो से के बीच कितने क्यूबिट्स डेवलप हो सकते हैं जबकि ये दो ही बिट्स हैं समझे तो ऐसे में कितनी से और कितनी और इफेक्टिव कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे है ना तो ये होता है आपका क्यूबिट आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुई क्या पर्पज था भाई उसका थर्ड स्टेटमेंट स्टेट आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना देखो जिनके पास में बैंकिंग अकाउंट नहीं थे ना उन लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना फॉर्मल फाइनेंसेस के साथ में कनेक्ट करना जिससे कि वो डिपॉजिट भी कर सके और क्रेडिट भी ले सके तो इस तरीके की व्यवस्था को डेवलप करने के लिए 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई है ना इस स्कीम का बेनिफिट क्या हुआ 2014-15 में ये लॉन्च हो गई थी आप देखो इस स्कीम का बेनिफिट ये हुआ कि दुनिया के अंदर

डिपोजिट रेमिटेंस क्रेडिट इंश्योरेंस पेंशन इन सब को एक तरीके से सेंट्रलाइज मैनर में या फिर बैंकिंग के थ्रू कनेक्ट कर सको इंडिविजुअल्स तक टारगेट था हम कैसे भी करके फाइनेंशियल प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी दे सके अफोर्डेबल कॉस्ट पे हमारे लोगों को और साथ ही साथ लोअर कॉस्ट और लोअर कॉस्ट के ऊपर अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लोगों तक अच्छी पहुंच बना सके इसमें आप देखते हो डिपॉजिट अकाउंट खुलाना बड़ा आसान हो गया था डेबिट कार्ड इश्यू किए गए केवाईसी को बहुत आसान किया गया ई e के आधार के थ्रू जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी ये बहुत बार यूज होने वाली टर्म है इन तो इन तीनों का यूज करते हुए आज कितना ज्यादा इजीली काम होता है हमारे देश के अंदर ठीक है इसके अलावा डेबिट कार्ड देने के साथ साथ में आपने क्या दिया देखो डेबिट कार्ड से आप कैश तो विदड्रॉ करते हो उसके साथ साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया हुआ है दो लाख का जिनका भी जनधन अकाउंट है साथ ही साथ माइक्रोफाइन इंश्योरेंस की बात कर लो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंट में पैसा नहीं है तो शुरुआत में ध्यान पांच हजार रुपए तक का पैसा निकाल सकते हो जो कि फिर बाद में जैसे आपके अकाउंट में आएगा तो बैंक ऑटोमेटिकली सेटल कर लेगा उसको है ना पेंशन स्कीम है उधार का काम है सारा बैंकिंग के थ्रू तो ये चीजें क्या कह रही है कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ मूव करने में ये स्कीम बहुत हद तक हेल्पफुल रही तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको दस साल कंप्लीट हो गए तो इस वजह से ये न्यूज में आई ठीक है आगे चलते चलो अगला सवाल देख लेते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैरिज एंड डाइवोर्स आर लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड ओनली पार्लियामेंट कैन डिफाइन मैरिज एज फॉर दिटिजन बाई एन एक्टिंग एन एक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है पॉज करके अपना आंसर रेडी कर लो देखो दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप सही मान के चलोगे तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सही होंगे तो फिर दोनों ही सही होंगे है ना बट यहां पर मामला क्या है

शादी की जो महिलाओं की उम्र है वो कम से कम 18 जो थी ना उसको बढ़ा करके 21 कर दिया गया है इसका मतलब पुरुष और महिला दोनों बराबर कम से कम उनकी बराबरी की उम्र कर दी है इक्कीस इक्कीस साल तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट है तो मैरिज के बारे में डायवोर्स के बारे में हम देखें तो ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेवेंथ शेड्यूल के शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट जिसको लिस्ट थर्ड बोलते हैं उसमें एंट्री नंबर पांच पर मैंशनड है जिसका मतलब हो गया पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर इस पे कानून बना सकती है अब ये तो क्लियर है कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट ये जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का जुरिस्डिक्शन है बट हमें ये देखना होगा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसकी चलेगी देखो नॉर्मल सी बात है पार्लियामेंट की चलेगी पहली बात तो ये बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और उस लॉ से रिलेटेड उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसेंट ले ली कि भाई प्रेसिडेंट साहब आप आर्टिकल दो सौ चौवन क्लॉज टू के आधार पर आप हमें अप्रूवल दे दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे कुछ भी लॉ हो पर हम जो लॉ बना रहे हैं उसको कंटिन्यूटी देने के लिए आपकी तरफ से अगर यस मिल जाए तो फिर हमारे स्टेट में तो कम से कम हम इस पर्टिकुलर ये जो 21 साल का जो हमने प्रोविजन किया है ये अप्लाई हो जाए बाकी स्टेट्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कर सकती है और बाकी स्टेट्स को भी अपने लेवल पे कुछ चेंजेस करने हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो कर ले कहने का मतलब कि अगर सेंट्रल लॉ बना हुआ है जो कि 18 साल की उम्र बोलता है और महिलाओं और हिमाचल प्रदेश का जो लॉ है वो इक्कीस साल बोलता है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना अब प्रेसिडेंट इसको जैसे एसेंट दे, दे देंगे तो बात चल जाएगी हिमाचल प्रदेश की हिमाचल के हिमाचल प्रदेश के अंदर अंदर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मेजरली आपको पता है पार्लियामेंट का लॉ एप्लीकेबल होता है तो सिंपल सी बात है ठीक है नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इट वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई इन टू

देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी उन्होंने ये कहा है कि भाई बात ऐसी है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर चुका है तो क्यों ना हम इस नेशनल लेवल के नेटवर्क को हम ट्रूली ग्लोबल बनाए पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक माहौल बना दे वैसे तो आपको पता है ब्रांड बन चुका है यूपीआई इंडिया का है ना तो वो चीजें यहां पर एनकरेज एं, होती हुई दिखाई दे रही है यूपीआई की बात करें तो ये 2016 में एनपीसीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया था एनपीसीआई को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया आरबीआई और साथ में बैंक एसोसिएशन के द्वारा ठीक है इसका काम क्या है भाई हम चौबीसों घंटे के अंदर कभी भी हमारा एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी मर्चेंट किसी को बिजनेसमैन को किसी को पे करना है तो वो कर सकते हैं या हम पीयर टू पीयर इंडिविजुअल को भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर हम इजीली कर सकते हैं पैसा लिमिट है इसकी एक लाख और कोई भी काम अगर हमें करना है तो एनपीसीआई के साथ में हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि नॉर्मल प्रोसेसिंग के टाइम पे हो ही जाता है जब भी हम यूपीआई स्टार्ट करते हैं हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड राइट चलते हैं आगे

देखो अभी हुआ क्या है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है ना उन्होंने नवा नालंदा महावीरा इन इस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के दो दिन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कराई है जिसमें मेन फोकस कहां पर रहने वाला है गुरु पद्म संभवा जो है उनपे ये आप इनकी इमेज देख सकते हो मतलब तिब्बत में बुद्धिज्म की शुरुआत की थी ना वो ये थे राइट इसलिए इनको सेकंड बुद्धा भी बोला जाता है और ये कॉन्फ्रेंस कहां हो रही भाई बिहार नालंदा में जहां पर अभी आपको पता है नई तो ये के फाउंडर माने जाते हैं, 749 AD में शुरुआत की थी और इन्होंने लगभग चौवन साल अपनी जिंदगी के वहां पर बिताए तिब्बत वाले एरिया में पद्म संभवा की अगर बात करें तो पद्म पद्म जो होता है ना वर्ड इसका होता है लोटस संभवा का मतलब हो गया बॉर्न जिनकी जिनका जन्म जो है वो लोटस से कंसिडर किया जाता है इसका मतलब आप देखिए कि ये अपने आप में कितनी ज्यादा रेलेवेंस बनाता है ट्रेडिशनल लोटस की अगर बात करें कमल के फूल की अगर बात करें ठीक है इसके अलावा इन्होंने जो तिब्बतन बुद्धिज्म का स्टार्ट किया था उस इस पर्टिकुलर सेक्ट का नाम क्या दिया गया निंगमा द एंशेंट वन ठीक है निंगमा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात करें तो इन्होंने स्प्रेड किया ये बात हमने ऑलरेडी कर ही लिया और इन्होंने यहां पर जो सिस्टम स्टार्ट किया वो एक तरीके से वज्रयान बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है जिसमें बहुत ही सारे सीक्रेट प्रैक्टिसेस थी जिनमें मंत्र तंत्र मुद्रा इनकी इन बातें भी हुई ठीक है तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना भाई नेक्स्ट चले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है

ये मीडियम टू लॉन्ग के लिए है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है फर्स्ट अगर गलत होता है ए गया और डी गया अब आपको देखना है दूसरे के ऊपर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है नहीं ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ठीक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम हंड्रेड परसेंट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो दूसरा भी गलत हो गया तो आंसर आपका बच गया केवल तीन ये दो लाख दो करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है दूसरी अगर बात करें इसमें जो भी ब्याज देना होता है ना उस उसपे हर साल का जितना ब्याज लगता है उसमें तीन परसेंट की छूट दिलाई जाती है टारगेट क्या है कि कैसे भी करके हम एग्रीकल्चर को बेनिफिशियल बना सके तो आंसर इज बी देखो इसके बारे में यूनियन कैबिनेट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है कि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना इसको हम एक्सपेंड करेंगे ठीक है ये पर्टिकुलर हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जिसमें मैक्सिमम हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ला सके एग्रीकल्चर को हम थोड़ा सा बेनिफिशियल और बना सके जानते हैं इसके बारे में इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन देना जिसके चलते फसल काटने के बाद में जो भी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है स्टोर स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज इनको डेवलप करना उसके लिए ये काम आती है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ड्यूरेशन इसका 2020-21 से 2032-33 तक का रखा गया है ओके लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 2025-26 20 का जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा तब से ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें दो करोड़ तक तो का लोन दिया जा सकता है जो मैंने आपको बता दिया और फायदा क्या है कि भाई इसमें तीन परसेंट तक का सालाना जो ब्याज लगता है उसमें फायदा मिल जाएगा ब्याज जो देते हो उसमें है ना तीन तक बेनिफिट क्या है भाई सीधी बात है फार्मर्स को बेनिफिट होगा अपने जो भी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट है उनको स्टोर करके रख सकेंगे इनको बेचना होगा तो फिर टाइम के हिसाब से बेच लेंगे फिर वो चीज होगी इसके अलावा ओवरऑल इनकम फार्मर्स की बढ़ेगी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर राइज होगा हमारे देश का इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्न पैकेजिंग सिस्टम हम डेवलप कर पाएंगे और कम्युनिटी फार्मिंग को करेंगे दैट एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे फार्मर्स उनके बीच में एक कोल्ड स्टोरेज डेवलप अगर हो जाता है ना तो उसका बेनिफिट फिर सबको मिल जाता है अगला सवाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हुलो गिबॉन गिब स्लो लॉरेस इंडियन एलिफेंट्स नीलगिरी टार हाउ मेनी ऑफ द अबव स्पीसीज आर फाउंड इन होलोंगा पार गिबॉन सेंचुरी पॉज करो अपना आंसर रेडी कर लो भाई देखो इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो सबसे सब पहले तो आपको नीलगिरी टहार पर नजर जानी चाहिए तो साउथ इंडिया में मिलती है तो ये तो जाएगा नहीं और बाकी तीनों है ना यहां पर मिलते हैं तो ओनली थ्री आपका आंसर चला जाता है सवाल यह है कि क्यों न्यूज में आया देखो असम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से केरण गैस एंड ऑयल की पाइपलाइन उधर से गुजरनी है ना ये यहां पर है देखो होलोंगा होलंग पार गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम और नागालैंड बॉर्डर के पास में असम में ठीक है ये ध्यान रख लेना भाई है ना तो ये एक इको सेंसिटिव जोन है तो वहां पर इस तरीके की पाइपलाइन डालना कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली नुकसान कर सकती है ना तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं न्यूज हो जाता है अप्रूवल दे दिया गया है कि हाँ ठीक है इधर से पाइपलाइन डाली जा सकती है ठीक है तो यहाँ पर देखो हुलौक गिब्बॉन भी आपको दिख जाएंगे ये आप कह सकते हो कि एप की इकलौथी स्पीसी जो इंडिया में मिलती है है ना एप कौन एप की स्पीसी की बात करें तो इनके पैर छोटे होते हैं हाथ बड़े होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हाथ लंबे भी होते हैं पैरों के कंपैरिजन में है ना इस तरीके से ये लॉरिस और ये एलिफेंट ये सारे यहाँ पर मिल जाते हैं लोकेशन की बात करें तो ये असम के जोराट डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगा क्योंकि ये वाला एरिया क्या है भाई आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जहाँ पर बरसात अच्छी खासी होती है और ये जो होलंग पार गिब्बॉन सेंचुरी है ना ये नाइनटीन में इसका रीनेम किया गया था और गिब्बॉन के नाम से इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे देश की ठीक है इंडिया का प्राइमेट, प्राइमेट जिन्होंने ज्यादा कुछ एवोल्यूशन नहीं किया लंबे समय से एक ही आइडिया के साथ में लाइफ जी रहे हैं वो है आपके बंगाल स्लो लॉरिश ठीक है इमेज देख लो यहाँ पर किस तरीके के होते हैं भैया है थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा इसके अलावा प्राइमेट डेंसिटी यहाँ पर अच्छी खासी है प्राइमेट्स का मतलब पुरानी टाइप के बहुत लंबे समय से जिन्होंने एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट नहीं किया जैसे कि पिक्टेल मकाक यहाँ पर मिल जाएगा आपको है ना इसके अलावा आप देख सकते हो ईस्टर्न असामीज मकाक मिल जाएगा इसके अलावा रिसस मकाक एंड कैप लंगूर ये भी देखने को मिल जाएंगे इंडियन एलिफेंट्स हैं वो तो आपको ईजिली मिली जाएंगे इनके अलावा टाइगर लेपर्ड जंगल कैट वाइल्ड बोर थ्री टाइप ऑफ सीवेट ओके बिल्ली के टाइप के होते हैं है ना इसके अलावा इनकरेक्ट की बात करें नीलगिरी टार तो देखो साउथ इंडिया में मिलते हैं हमें पता नीलगिरी हिल्स में वेस्ट घाट और तमिलनाडु केरला वाले एरिया में राइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला सवाल देख लेते हैं विद रेफरेंस टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाई द गवर्नर सेकेंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स इयर्स थर्ड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है रेडी रखो अपना आंसर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये बात बिल्कुल सही है इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि छह साल के लिए फिक्स टेन्योर है नहीं ये डिपेंड करता है भाई कि सरकार कितने टाइम के लिए वहां की जो स्टेट असेंबली है वो कितने टाइम के लिए बना रही है लॉ तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर फिक्स नहीं है ये हम अगर बात करें तो स्टेट वाइज वेरी भी कर सकता है और हो सकता है पांच साल भी फिक्स कर दे वो उन पर डिपेंड है डिपेंड करता है राइट इलेक्शन कमिश्नर को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को प्रेजिडेंट अपनी प्लेजर के ड्यूरिंग रखते हैं बाकी हटा देता है नहीं एक बार अपॉइंट हो गए ना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तो फिर उनका रिमूवल हाई कोर्ट के जज की तरह ही होता, ही क्या होता? है अदरवाइज वही तो क्या है पूरा मुद्दा हो क्या रहा हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इकलौती ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन कराने में बहुत इफेक्टिवली काम करती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसी परिस्थितियों में इसी की फुटप्रिंट्स को अगर बचे हुए हमारे चौतीस जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो फॉलो कर लें तो कितना अच्छा काम हो जाएगा हमारे लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में लोकल इलेक्शन में क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज इनके इलेक्शन के अंदर बट वही चीज है जी कहीं कही ना कहीं लोकल लेवल पर चीज जाकर के थोड़ा बहुत करप्शन भी देखने को मिल ही जाता है खैर मुद्दा यह आता है इसके बारे में कुछ हम डिटेल जाने नंबर वन ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आती है ध्यान रख लेना ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर में है तो कहीं नेशनल लेवल की काम कर रही है तो स्टेट लेवल के स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो वो कहीं कही ना कहीं उनके अंडर काम करते होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनका काम क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराना जिसको हम ओवरऑल बोल सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सेवेंटी एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए थे जिसके आधार पर लोकल बॉडीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था तब इसकी स्थापना हुई थी अब अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है आर्टिकल 243 के क्लॉज वन वहीं पर आर्टिकल 243 के क्लॉज टू क्या कह रहा है कि भाई कितना वहां पर आ, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके कह, मतलब पॉइंट यह है कि, कि कितना टेन्योर रहने वाला है, है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो देखो लॉ बनाया जाता है प्रॉपरली स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और फाइनल जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नर के द्वारा वहां पर रूल डिटरमाइन करके किया जा सकता है समझ गए बात को तो वहां पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं है सिक्स का वो इसके अलावा इलेक्शन कराने में सुपरविजन वही अगेन पंचायत पार्टीज का रजिस्ट्रेशन भाई लोकल इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती है ना उन लोगों के लिए प्रोविजन है कि भाई वो मैंनेटरीली स्टेट इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर कराएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अलग एंटिटी है मैंने आपको बता दिया इसके अलावा आर्टिकल दो के क्लास टू ये भी कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वही तरीका हो सकता है एक बार कोई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन गया तो उसके डिसएडवांटेज या उसके खिलाफ में कोई कॉन्स्पिरसी प्लान करके रिमूव नहीं किया जा सकता आपको प्रॉपर मैनर में हाईकोर्ट के जज के रिमूवल वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा अगला सवाल देखते थे कंसिडर तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आई एन एस अरीघाट इट इज अ स्कोर्पियन क्लास सबमरीन बिल्ट विद कॉलेबोरेशन ऑफ फ्रांस सेकंड इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थर्ड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो भाई पॉज करके अपना आंसर रेडी कर लो देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में है दोनों में से कोई एक काम हो सकता है राइट right? इसमें हमारे लिए अगर मोटी बात करें तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ठीक है ना कि स्कॉर्पियन क्लास जो कि हम फ्रांस के साथ कोलेबरेट करके बना रहे ऐसा नहीं है अरिघाट न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वहीं पर यह न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है बिल्कुल सही बात है इसमें कोई डाउट नहीं है तो आंसर इज सी इसमें हो कोई डाउट मुझे लगता नहीं आपको होगा सो पॉइंट ये आता है कि हमारे देश में अरिहंत तो देखो पहले लॉन्च हो चुकी थी अब अरिघाट है ना अरिहंत के बाद में सेकंड ऐसी सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगी और न्यूक्लियर कैपेबल भी होगी है ना तो ये उनतीस अगस्त 2024 हजार चौबीस दैट मीन आपको कल परसों के टाइम पे ये लॉन्च हुआ कहां पर हुआ इसका लॉन्च हमारी इंडियन नेवी को दे दिया गया विशाखापट्टनम में ठीक है जी अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल तो देखो ये सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ट दैट मीनस हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है ये है ना क्या नाम है इसका अरिघाट याद रख लेना अरियंत के बाद में अरियंथ 2018 में कमीशन कर दी गई थी और ये डेवलप कहां पर हुई नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापट्टनम में वहीं पे इसकी खुद की फीचर्स की बात करें तो 6000 टन की सबमरीन है ये जो कि साढ़े सात किलोमीटर तक आराम से जा मतलब साढ़े सात किलोमीटर तक की रेंज की जो मिसाइल्स है बैलिस्टिक मिसाइल के फिफ्टीन उसको ले जा सकती है इसके अलावा इसके अंदर खुद का न्यूक्लियर पावर्स न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो इनबिल्ट है उसमें मैकेनिज्म जो हो यूज हो रहा है वो वाटर रिएक्टर हो, यूज होता है है ना इसके अलावा इसकी स्पीड 22 से 28 किलोमीटर पर आर 15 से 5, 12 से 15 नॉट्स पर आर के हिसाब से राइट और सरफेस थोड़ा अगर डीप में जाए तो और थोड़ा सरफेस पे आए तो स्पीड थोड़ी और ज्यादा मिल जाएगी आपको राइट क्षमता की बात करें सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के फोर इसको भी वो लॉन्च कर सकती है अपने साथ लेकर के चल रही है के फिफ्टीन को तो लेकर चलेगी ही इसके अलावा टोरपेडोज और माइन्स का भी इनके पास में मैकेनिज्म है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड अंडर वाटर भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेडलियस साबित होने वाली है अब देखो सबमरीन्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि भाई उनका खुद का वजन कितना है है ना कितना क्रू है वो डिसाइड करता है कि कितने लंबे समय तक वो पानी में डूब करके कंटिन्यू रह सकती है ये चीजें हैं भाई चलो थर्ड क्वेश्चन देख लो

पर यूनिट एरिया लीडिंग टू इंक्रीज इन थर्मल एफिशियं तीन स्टेटमेंट करेक्ट आपको चूज करना पॉज करो अपना आंसर रेडी करो देखो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है इसमें कोई खराबी नहीं है है तो आंसर इज डी देख लेते हैं डिटेल क्या है? देखो मुद्दा कुछ ऐसा है कि सोलर पैराबोलाइट टेक्नोलॉजी है ना ये बहुत एफिशिएंटली काम करने वाली है इसमें आप नोटिस करो ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर में आपने क्या बना दिया यहां पर मिरर्स लगा दिया मिरर अब यहां से सनलाइट जो आएगी वो मिरर से टकराएगी टकरा करके और यहां पर आपने रिसीवर लगा दिया अब जैसे ही यहां पर ये सनलाइट आएगी ये सनलाइट टकरा करके इस रिसीवर की तरफ जाएगी और यहां पर आपने कलेक्ट कर ली उस एनर्जी को अब उस एनर्जी को जिस भी तरफ आप डायरेक्शन देकर के स्ट्राइक कराना चाहते हो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो वहां पर हीट ट्रांसफर भी की जा सकती है तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करेगा और ये अपने आप में जो नॉर्मल हमारे सोलर पैनल्स है ना उनसे ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने वाला है राइट तो ऐसे में स्टेटमेंट फर्स्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है यह आपका पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर जो है यह अपने आप में लॉन्ग पैराबोलिक मिरर्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मिरर्स क्या करेंगे सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक करके रिसीवर रिसीवर ट्यूब के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और फिर वहां से आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हो कैसे कि यहां पर जो एनर्जी कट्टी होगी उसको आपने स्ट्राइक करवा दिया एक ऐसे टर्बाइन पे या फिर ऐसे वाटर ट्यूब के ऊपर जिसकी वजह से वहां पर स्टीम क्रिएट होगी और स्टीम को आपने टर्बाइन पर स्ट्राइक करा टर्बाइन रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी ये मैकेनिज्म काम करेगा इसमें इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक तो 300 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है तो थर्मल एफिशिएंसी आगे जबकि नॉर्मली 25 से 77 डिग्री फर के ऊपर ही हमारा चल सकता है मैनेजमेंट है ना इसके अलावा देखा जाए तो आप यहां पर 25 डिग्री चल सकता है हमारा नॉर्मली इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर आप देखो पर यूनिट एरिया भी अच्छी खासी प्रोडक्शन हो जाएगी कि कम एरिया के अंदर अब आप आपने पैराबोलिक स्ट्रक्चर में डेवलप कर दिया ना तो कम एरिया में भी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली सन एनर्जी को आप इकट्ठा कर पाएंगे इकोनॉमिकली भी देखिए तो कहीं कही ना कहीं सस्ता पड़ेगा इसका प्रोडक्शन ये ओवरऑल सारी चीजें आ जाती हैं चलो अगला सवाल देख लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग ट्राइब्स तीन ट्राइब्स ऑफ बोंडा डोगारिया कोंड और सेंटलीस सेंटिनलीज ठीक है अब बताओ हाउ मेनी ऑफ द अबाउट ट्राइब्स आर पार्ट ऑफ द पीवीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फाउंडेड इन फाउंड इन उड़ीसा उड़ीसा में मिलने वाली बताओ कौन कौन सी इनमें से पॉज कर लो अपना आंसर रेडी कर लो देखो ये तीनों की तीनों पीवीटीजी हैं इसमें तो कोई डाउट है नहीं तो आपने अपना आंसर रेडी कर लिया कोई सी अभी तक ऐसा नहीं है बिल्कुल भी सेंटिनलीज है ना ये देखो यहां पे ट्विस्ट कर दिया लास्ट में सेंटिनलीज अंडमान एंड निकोबार में उड़ीसा में नहीं है तो आपका आंसर वन एंड टू ओनली टू आंसर चला जाएगा बी समझ गए क्या है भाई मामला मामला यह है कि मंगाला मुडली ये बॉन्ड ट्राइब का स्टूडेंट है जिन्होंने नीट एग्जाम क्रैक कर लिया अब वो स्टडी करेंगे मेडिसिन के बारे में तो ये आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट काम ये किया है इस ट्राइब के इस बंदे ने राइट तो टोटल तो अगर उड़ीसा की बात करें तब तो देखो तेरह पीवीटीजीज हैं और पूरे देश की बात करें तो पिछहत्तर पीवीटीजीज हैं ठीक है सेवेंटी तो उड़ीसा की हम यहां पर बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन है ये वो ग्रुप्स हैं जो वाकई में ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बट वो भी और भी ज्यादा बैकवर्ड हैं तो ऐसे में 1973 में देबार कमीशन ने इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करने की बात की थी ऐसे में 1975 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है तो गोंडस की अगर बात करें तो ये तेरा उड़ीसा की जो पीवीटीजी है उनमें से एक है जो कि जिनके बारे में ये बताया जाता है कि 60000 साल पहले जब अफ्रीका से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग माइग्रेट करके इधर साउथ एशिया की तरफ आए थे उनमें ये फर्स्ट वेव के हिस्से थे पहली बार जो मूव करके आए थे अफ्रीका से इंडिया की तरफ वो लोग गई हैं अभी तक भी अब आप, आप देख लो कितना ज्यादा ये लोकल है यहाँ के इसके अलावा बात करें कि इनके अलावा बारह दूसरी जो पीवीटीजीज हैं उड़ीसा में मिलने वाली उनके नाम देखो बिहार चुक्तिया बुंजिया डिडाई डोंगरिया खोड हिलखराई जुआंग कुटिया कांडा ठीक है लांजिया सोरा लोढ़ा इसके अलावा कनकिर्दिया और इसके अलावा आपका पाउदी भुयान और सौरा ये कुछ नेम्स आपको ध्यान रख लेने और सेंटिनलीज की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलती है ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रोबेबली और फाइनली ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का देखो कंसिडर द फॉलोइंग पोर्ट्स वाधवान कांडला कोचिन वीओ चिदंबरम सॉरी चिदम बरनारोके इसके अलावा पारादीप मारमोगांव न्यू मैंगलुरु आप बताओ कि हाउ मेनी ऑफ द अब लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से लोकेटेड है पॉज करो अपना आंसर रेडी करो वेस्टर्न कोस्ट का मतलब समझ गए ना इधर वाली कोस्ट की हम बात कर रहे हैं चलो जी अब आप यहां पर नोटिस करेंगे सबसे पहले तो मैंने जिस तरीके से शॉर्ट मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व किया ना मैंने फोकस किया इस पे लास्ट वाले पे ठीक है न्यू मंगलुरु हमें पता है कि यह पड़ता है आपका कहां पे कर्नाटका uh, में तो यह न्यू मंगलुरु इधर जाएगा वेस्ट में तो सातवा तो डेफिनेटली आएगा इसका मतलब सी तो आंसर नहीं हो सकता फिर मारमा गांव की बात करें यह बिल्कुल यहां पर गोवा में है तो ये बात भी बिल्कुल सही है तो ये दोनों तो ऑप्शन सही है पाराद्वीप की बात करो आप पारा छह सात कौन कौन से इसमें है, इस है और इसमें पर अब हमें पाराद्वीप पे उलझ रहा मामला पाराद्वीप पारा तो भाई उड़ीसा में है तो पांचवा जिसमें दिख रहा है उसको हटा दो आप इसको हटा दिया तो ये सारे हो है क्या है मामला देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी रिसेंटली वाधवान पोर्ट में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें वहां पर प्रेजेंट थे तो ऐसे में हमारे पास में आज के समय में अगर आपसे पूछे तो तेरह मेजर पोर्ट्स हो चुके हैं वाधवान पोर्ट यहां पर यहाँ पर गुजरात मुंबई ये महाराष्ट्र बॉर्डर है ना इसी के जस्ट यहां पर पास में लोकेटेड है महाराष्ट्र में आ जाता ही है ये तो मेजर आपके बारह जो है वो तो देख लो कांडला मुंबई जेएनपीटी ठीक है इसके अलावा मारमा न्यू मंगलुरु कोचीन तो ये तो हो गया आपके वेस्टर्न कोस्ट पे और ये आपका ये नया वाला जो हो गया जिसका नाम है आपका वाधवान तो ये तो हो गया आपके वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे तुथिकोरिन चेन्नई एनोर विशाखापट्टनम पारादीप और कोलकाता ये मिलाकर के आप देखोगे तो ओवरऑल थर्टीन आपको फिगर मिल जाएगा तो तेरह मेजर पोर्ट्स हो चुके हैं ये तेरवा है वाधवान जो कि पालघ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड अरेबियन सी की तरफ और इसको देखा जाए तो आप देखोगे वाधवान पोर्ट लिमिटेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ये मिलकर के इसको ऑपरेट करेंगे और इसके अलावा पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक बूम देने का काम किया जा रहा है उसके तहत ये डेवलप हुआ है तेरह मेजर पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो वाधवान कांडला कोची न्यू मंगलुरु ये वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है जबकि चिदम्बरनार और पारादीप ये ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है आंसर हमने ऑलरेडी देख ही लिया उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए तो आई होप आप आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बट एक चीज मेरी आपसे हमेशा दरख्वास्त रहेगी कि भाई आपका जो भी स्कोर है ना वो आप कमेंट में जरूर दें और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करें कि सेशन के ड्यूरिंग आपको किन किन चीजों का चैलेंज आया कहां पर आपने एरर्स की क्योंकि वो छोटी छोटी एरर्स हो सकती है आपसे हुई है तो कोई दूसरा भी उन चीजों को देख करके अच्छे से सीख सके राइट तो इस तरीके से इस सेशन को यही हम टर्मिनेट करते हैं एक बार फिर से नए सेशन के साथ में अगले हफ्ते मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो